करेंगे समर फ्रेश मेकअप लुक। आई होप कि आपके लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रहे। बिल्कुल सिंपल से मेकअप लुक क्रिएट करेंगे एंड जितने हो सकेंगे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करेंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमारा मेकअप अच्छे से सेट नहीं होता है एंड समर्स में स्किन केयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रहती है एंड आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी फील करती है। तो फर्स्टली हम करेंगे स्किन केयर। फर्स्टली मैं यूज़ करूँगी ये कामा आयुर्वेदिक का प्योर लेवेंडर वाटर टोनर। ये कुछ इस तरीके का टोनर आपको मिलता है एंड गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे को टोनर्स लगाना समर्स में काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टोनर मैं ट्राई करती रहती हूँ। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ अफोर्डेबल, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूँ अगर आप बिगनर्स हो तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये रिटेल करता है 395 रुपीज़ की, मिलती है 50 ml क्वान्टिटी। अगर आप लेना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। अप्लाई करेंगे सीरम। इन दिनों जो मेरे को सीरम पसंद आ रहा है वो है ये डॉट एंड की का विटामिन सी सीरम। इसकी मैंने पूरी ट्रैवल साइज किट परचेज की थी, तब काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था नाइका पे, तो मैं इसको इन दिनों काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पसंद कर रही हूँ। एंड गाइस ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट सीरम है, ये बिल्कुल भी थिक सीरम नहीं है। यूज़ करूँगी मॉइस्चराइजर। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, तो कभी कभी फाउंडेशन केके भी लग सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो मैं यूज़ करूँगी निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर मिल जाता है, तो मैं आज यूज़ करूँगी ये निविया का मॉइस्चराइजर। काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है मेकअप के लिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। फर्स्टली हम यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर में आज जो मैं प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ वो है NYBE का प्रो प्राइमर। ये कुछ इस तरीके का कलर करेक्टर आपको प्राइमर मिल जाता है एंड गाइस अगर आपके बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स हैं तो आप ये वाला प्राइमर यूज़ करने के बाद उसको हाइड कर सकते हैं। तो आज मैं यूज़ करूँगी ये प्राइमर, मैं कोई भी कलर करेक्टर यूज़ नहीं करूँगी, उससे आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। मैं करूँगी बिल्कुल लाइट वेट मेकअप, तो मैं यूज़ करूँगी ये NYBE का प्राइमर। इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने अंडर आईज एंड आईज पे। एंड ये काफी ज्यादा स्मूथ प्राइमर है। प्राइमर सेट मैं कर लूँगी अपनी आईब्रोज फिल। मेरे को आईब्रोज फिल करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं हल्का हल्का उसको फिल कर लेती हूँ ताकि अच्छी मेकअप लुक लगे। के लिए जो मैं पेंसिल यूज करती हूँ वो है स्विस ब्यूटी की पेंसिल एंड गाइस अफोर्डेबल में काफी ज्यादा बेस्ट आईब्रो पेंसिल आपको मिल जाएगी। ये रिटेल करती है 49 रुपीस में, आपको मिल जाती है आईब्रो पेंसिल एंड आपको मिल जाता है इसकी कैप में स्कूली। फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे की 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। ये कुछ इस तरीके के आपको फाउंडेशन मिल जाती है एंड गाइस ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फाउंडेशन है, इसको आप एवरीडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप इसको ब्रश के साथ ब्लेंड कर सकते हैं एंड अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कलर वार का ब्यूटी ब्लेंडर। ये काफी ब्यूटीफुली ब्लेंड भी हो जाती है।
फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो आप अपने ईयर्स को एंड नेक पे जरूर फाउंडेशन अप्लाई कीजिएगा ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक ना लगे। कंसीलर के लिए मैं आई यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का एसडी कंसीलर। एंड गाइस, अगर आप कोई अफोर्डेबल में हाई कवरेज कंसीलर चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैं करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड ताकि काफी सी नेचुरल लुक लगे। नेक्स्ट मैं करूंगी अपनी आईज पे कंसीलर अप्लाई। इसको करेंगे हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड। नेक्स्ट अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट इन दी शेड 222 ट्रू बीच। देखिए इससे करूंगी मैं अपना पूरा फेस सेट एंड जहां जहां मैंने किया था कंसीलर अप्लाई। फेस को मैं शेप देने के लिए यूज करूंगी ये ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर में मैं यूज करी ये मुआ मेकअप एकेडमी का सनकिस्ट ब्रॉन्जर। एंड गाइस, ये काफी ज्यादा बेस्ट एंड अफोर्डेबल ब्रॉन्जर है। ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज करूंगी कफ्स एंड लैशेस का पाउडर कंटूर ब्रश। ये है ब्रश नंबर F012। एंड नेक्स्ट हल्का सा मैं अपने नोज को भी ब्रॉन्ज करूंगी। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन की लिप एंड ट्रिक टिंट। एंड गाइस, इसको जब से मैंने परचेज किया तो मैं इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। एंड मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है एंड ड्राई स्किन पे ये इतनी अच्छे से सेटल हो जाता है, इसलिए मैं आज भी यूज़ करूँगी ब्लू हेवन की ब्लश स्टिक। मैं इसको हल्का हल्का ब्लेंड करती हूँ अपनी फिंगर्स के साथ। काफी ज्यादा पिंकी पिंकी ये ब्लश। इसको मैं ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज करूंगी एमवाईवे का मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। एंड गाइस, इसको मैं इतनी इतनी क्वांटिटी में यूज़ कर चुकी हूँ एंड इसके मैं अलग अलग वेरिएंट्स भी ट्राई करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करूँगी। एंड अफोर्डेबल में अगर आपको कोई मेकअप फिक्सर चाहिए तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको आप बाय वन गेट वन में भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने आई मेकअप पे। एंड आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ नायका कॉस्मेटिक की आई शेडो पैलेट। ये है कैरमल क्रंच शेड। एंड गाइस, इसमें काफ़ी प्यारी ब्यूटीफुल न्यूड शेड्स आपको मिल जाएगी। ये देखिए काफ़ी प्यारी ब्यूटीफुल न्यूड शेड्स आपको मिलेगी। एंड आज की मेकअप लुक भी इसमें आपको काफ़ी प्यारी शेड्स मिल जाती है। इसके रिव्यूज़ वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप भी इसके रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मैं लिंक पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसको अप्लाई हम यूज करेंगे ये लाइट शेड।
पिगमेंटेड मेरे को नहीं लग रही। यूज करेंगे इसके ये वाली शेड, इसको मैं अपने आईज पे अप्लाई करूंगी फिंगर्स के साथ। ये देखिए, अब हम फिर से अप्लाई करेंगे ये मैट शेड और इसको करेंगे अच्छे से ब्लेंड। आई शेडो का बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हुआ, ये देखिए। नेक्स्ट हम यूज करेंगे इसकी हल्की सी ब्लैक शेड, इसको हम अपनी आउटर वी पे हल्का सा अप्लाई करेंगे। बिल्कुल हल्का सा इसको करेंगे अप्लाई। पर्सनली गाइस मेरे को ये पैलेट इतनी ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इनकी मैट शेड एंड शिमर शेड इतनी ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है। अगर आपको इतनी ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं चाहिए, अगर आपको एवरीडे के लिए मेकअप करना है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी मेकअप लुक इसके साथ लगेगी। नेक्स्ट इस शेड को मैं अप्लाई करूंगी अपने इनर्स लाइन पे। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मस्कारा, उसके लिए मैं यूज करूंगी ये मार्श कॉस्मेटिक का मस्कारा। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, उसके लिए मैं यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर। एंड गाइस ये काफी ज्यादा प्यारा हाइलाइटर है। इसको अप्लाई करने के लिए हम यूज करेंगे ये शिमर कॉस्मेटिक का हाइलाइटर ब्रश। ये देखिए, नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने लिप्स पे। एंड फर्स्टली मैं यूज करूंगी ये लिप लाइनर, मैं यूज कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक का लिप लाइनर शेड नंबर 04। ये फेसेस कनाडा की लिपस्टिक शेड नंबर बफ न्यूड, एंड ये काफी प्यारा न्यूड शेड है। एंड इसको मैं काफी ज्यादा क्वांटिटी में यूज भी कर चुकी हूँ। ये मेरी फाइनल मेकअप लुक। गाइस समर्स के लिए बिल्कुल लाइट वेट मेकअप है, अगर आप भी मेकअप लवर हो तो आप हल्का सा लाइट वेट मेकअप कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा हैवी समर्स में नहीं लगेगा। आई होप कि आपके लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको मेरी वीडियो लगी हो हेल्पफुल तो आप कीजिए मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब। प्रोडक्ट्स को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आए तो आप लिंक से परचेज कर सकते हैं।